आज वेस्टपॉइंट की फूड फैक्ट्री के जो स्लाइसर और श्रेडर वाला हिस्सा है उसके लिए यूज़ करने लगे हैं। उसको जो है जो बेस है उसकी वो सेम है, वही जो चॉपर के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसमें ब्लेड जो है वो वाला इस्तेमाल नहीं होगा। चॉपर के ब्लेड की बजाय ये वाली डिस्क जो है इस्तेमाल होगी। इसके अंदर स्लाइसिंग और श्रेडिंग दोनों की ऑप्शन मौजूद है। तो ये स्लाइस करता है, ये हिस्सा श्रेड करता है, और इसको एक तरफ से ऊपर यानी कि टॉप बॉटम दो तरफ इसके यूजेज हो सकते हैं। इस तरफ से वो स्लाइसिंग करेगा, और अगर आप इसको उल्टा करके लगाएंगे तो फिर वो जो है उसकी श्रेडिंग करेगा। ये जो ये नॉब्स हैं ये ब्लैक वाली, इनको इस तरह से पुल किया जाएगा दोनों तरफ से। और मैंने इसके लिए प्लास यूज़ किया था, शार्प हैं ब्लेड्स तो हाथ से मत करें। मैंने उसको एक दफ़ा जो है सेटिंग उसकी श्रेडिंग के ऊपर कर दी थी। श्रेडिंग के ऊपर मैंने इसलिए कर दी थी क्योंकि स्लाइसिंग के लिए मैं नॉर्मली ब्रूनो यूज़ कर रही होती हूँ। तो एक दफ़ा जब आप इसको अटैच कर दें, इसको मैं श्रेडिंग के लिए यूज़ करने लगी हूँ। इसको बीच में इंसर्ट कर देंगे और उसके ऊपर जो है वो अटैचमेंट लगा देंगे। इसके बाद सिंपली डिवाइस को आपने प्लग इन करना है, पावर ऑन करना है। और ये जो है गाजर जो है इसके अंदर मैं श्रेडिंग करने लगी हूँ, और इसके लिए साइज़ जो है तकरीबन इतना वो आसानी के साथ हैंडल कर लेता है। इससे ज़्यादा अगर मोटी गाजर जो है आप इस्तेमाल करने लगे हैं तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप उसको स्लाइस करके आधा आधा कर लें। ऐसे ही होगा कि आपकी मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और इस्तेमाल करना आसान होगा। गाजर को, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ एक तो ये है कि इस तरह से आप मशीन चलाकर चलाते रहें, उससे मशीन काफ़ी जल्दी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, काम करती रहती है। इस तरह से जिस तरह से मैं थोड़े चंक डालती हूँ तो गाजरों के जो छोटे पीस ऊपर घूम रहे होते हैं वो भी श्रेड होकर नीचे चले जाते हैं आसानी के साथ। सो ये जो है बेसिकली इसी तरह से होगा। ये अभी जो है वो तकरीबन इसके अंदर जो है वो आधे से पानी के लिए पत्ती जो मेरे गाजरों की वीडियो फिल्म है एंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसका फाइनल आउटपुट क्या है। आउटपुट जो है श्रेडिंग की किस किस्म की हो सकती है, आप बिल्कुल एंड तक चले जा सकते हैं। कैरेट्स, सो टोटल अमाउंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1 kg, 1/2 kg का इसके अंदर जो है वो श्रेडिंग की जो है वो मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से श्रेड होने के बाद जो है वो गाजरें इस किस्म की शक्ल में मिलेंगी। आप किसी भी किस्म की वेजिटेबल जो है उसको श्रेड कर सकते हैं, या चाहे वो फल भी हो। सिर्फ ये कि अगर वो बहुत ज़्यादा